सावन का आपको बताने की महीना चल रहा है, तीसरा सोमवार आज है और ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश भर में सभी शिवालयों में, शिव मंदिरों में भोले के जयकारे यहां पर गूंज रहे हैं। तो उधर ऐसा ही कुछ गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में देखने को मिला। यहां पर भक्तों की लंबी लाइन सुबह से ही लगी हुई है और इस दौरान दूधेश्वर नाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने। आज सावन का सोमवार है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दूधेश्वर मंदिर जो कि गाजियाबाद में स्थित है। इस मंदिर की अपनी ऐतिहासिक महत्व है। आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और यहां पर भक्त सुबह 4 बजे से ही यहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनको जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं, अपनी लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें सभी उम्र के भक्त हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, युवा हैं और लगातार जयकारा लगा रहे हैं, भगवान शिव के जयकारा लग रहे हैं। आपको बता दें ये मंदिर का अपना एक पौराणिक महत्व है। 5000 साल पहले एक टीले पर गाय अचानक अपना दूध गिराती थी, इसको लेकर के जब वहाँ पर खुदाई की गई तो अंदर एक शिवलिंग मिला। यहाँ बताते हैं कि रावण भी पूजा करने आता था, भगवान शिव की पूजा करने के लिए रावण आता था। और इतना ही नहीं, रावण के जो पिता थे ऋषि विश्वा, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने हिंडन नदी के किनारे लंबी आराधना की थी, लंबी तपस्या की थी। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने लिंगा अवतार में यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे। वही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और यहाँ शिवलिंग की बहुत मान्यता है, सच्चा दरबार माना जाता है। जो भी लोग मन्नतें करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, वह मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, ऐसा मानना है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दूधेश्वर मंदिर, गाजियाबाद।